वेलकम टू अवर चैनल 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी सेकंड ईयर की केमिस्ट्री की क्लासेज में। कल हमने एक नई यूनिट स्टार्ट की थी, कौन सी? केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड, लैंथेनाइडों का रसायन। तो ये यूनिट ज़्यादा पुरानी हुई नहीं है, अभी ताज़ा ताज़ा है, गर्म गर्म है, अभी तक भाप निकल रही है, तो इसलिए टेंशन मत लीजिए, अभी ज़्यादा कुछ करवाया नहीं है मैंने। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसका? लैंथेनाइड्स का। किसका बच्चों? लैंथेनाइड्स का। अब यहां पे आप देखिए, मैंने आपको कहा था कि लैंथेनाइड के एलिमेंट है जो उनको मुझे रटवाना है, ठीक है? तो उसके लिए भी हम ट्रिक देखेंगे, तो बस आप ये क्लास पूरी देखिएगा, आपको मजा आने वाला है। अब देखो यहां पे आपको पता है लैंथेनाइड्स यानी कि लैंथेनम, लैंथेनाइड्स यानी कि लैंथेनम, ठीक है? लैंथेनम से स्टार्ट होता है एलिमेंट, ठीक है? उसके बाद हमारे पास क्या होता है? सीरियम है ना, उसके बाद होता है पीआर। पहले मैं ना इनके प्रतीक लिख देता हूं, ठीक है? फिर एनडी, ठीक है? इसको बोलते हैं लैंथेनम, सीरियम, प्रेसियोडाइमियम है ना, और नियोडाइमियम, ठीक है? उसके अलावा पीएम, एसएम, ठीक है, ईयू, और इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा ना, क्योंकि मेरे पास यहाँ कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ही आए हैं, ठीक है? तो बाकी के एलिमेंट मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जी डी, ठीक है, टी बी, डी वाई, एच ओ, ठीक है? अभी मैं इनकी ट्रिक बताने वाला हूँ आपको कैसे याद रखना है, ठीक है? और इसके बाद ई आर, टी एम, वाई बी और एल यू, ठीक है, वाई बी और एल यू। अब देखो इनके नाम क्या क्या होते हैं, इनके नाम हमको देखने हैं क्या क्या होते हैं। देखो इसको तो हम बोलते हैं क्या, लैंथेनम, लैंथेनम, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं हम, सीरियम, सी को क्या बोलते हैं, सीरियम। पीआर, पीआर को क्या बोलते हैं, प्रेसियोडाइमियम, प्रेसियो डाइमियम, ठीक है? एनडी को क्या बोलते हैं हम, नियोडाइमियम, नियोडाइमियम, ठीक है? पीएम को क्या बोलते हैं हम, प्रोमीथियम, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रोमीथियम। प्रोमीथियम हिंदी में भी यही बोलते हैं हम इनको, और इंग्लिश में भी यही बोलते हैं। एसएम को क्या बोलते हैं, समेरियम, ठीक है, समेरियम। ईयू को क्या बोलते हैं हम, यूरोपियम, यूरोपियम, ठीक है। जीडी को हम क्या बोलते हैं, गैडोलिनियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गैडोलिनियम, ठीक है। टीबी को हम क्या बोलते हैं, टर्बियम। डीवाई को डिस्प्रोसमियम या डिस्प्रोसीमियम, ठीक है। एच ओ को क्या बोलते हैं, होलियम, ठीक है। ई आर को हम क्या बोलते हैं, इरिबियम, इरिबियम। टीएम को क्या बोलते हैं, थूलियम। वाई बी को क्या बोलते हैं हम, इट्रीबियम। इटरबियम।
और सबसे लास्ट में हमारे पास क्या आता है, एलयू। एलयू को क्या बोलते हैं हम, ल्यूटीशियम। क्या बोलते हैं बच्चों, ल्यूटीशियम। ठीक है। अच्छा आपको एक बात तो पता होगी कि इनको आवर्त सारणी में नहीं रखा गया है, इनको आवर्त सारणी के नीचे अलग से रखा गया है। हालांकि ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 57 नंबर से स्टार्ट होते हैं, 57, 58, इस हिसाब से तो इनको आवर्त सारणी में होना चाहिए, इस हिसाब से तो इनको आवर्त सारणी में होना चाहिए, लेकिन आवर्त सारणी में ये नहीं होते हैं, इनको अलग से स्थान रखा है, दिया गया है। अगर इनको आवर्त सारणी में स्थान दिया गया होता ना, तो ये आवर्त सारणी का पूरा रूप खराब कर देते, उसे विकृत कर देते, क्योंकि इनके जो गुण है ना वो अलग होते हैं, इनके जो गुण हैं वो आवर्त सारणी से अलग होते हैं। अब आप कहोगे सर लैंथेनम को इसके साथ क्यों रखा है, देखो लैंथेनम, पहली बात बता दूं, लैंथेनम एफ ब्लॉक का तत्व नहीं है, लैंथेनम एफ ब्लॉक का तत्व नहीं है। एफ ब्लॉक के तत्व कहाँ से शुरू होते हैं, सीरियम से शुरू होते हैं एफ ब्लॉक के, लैंथेनम नहीं है, क्योंकि लैंथेनम में अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षकों में नहीं आता, ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन लैंथेनम के जो गुण है ना वो इनसे मिलते जुलते हैं, इन यौगिकों से मिलते जुलते हैं, इसलिए हमने लैंथेनम को इनके साथ रख दिया, ये बात ध्यान रखना। अब देखो इनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 है ना, इसके बाद 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और ये यहाँ पे 71 तक है हमारे पास। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, हमको इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी देखना है, लेकिन मैंने आपको कहा था इसको याद रखने की ट्रिक, देखो आप लिखते जाना, देखो मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ, एल ए मैंने यहाँ क्या लिख दिया, ललिता, देखो यहाँ मैं मिटा रहा हूँ, देखो एल ए से क्या है, ललिता। ठीक है, सी ई से क्या है, सरिता। ठीक है, ललिता सरिता, और पी आर से प्रिया। ठीक है, तीन लड़कियां हैं, कौन कौन सी, ललिता सरिता प्रिया, नाम तो याद रह जाएंगे, लड़कों को तो रह ही जाएंगे याद, ललिता सरिता प्रिया। ठीक है, एंड देखो एंड को एंड ऐसे लिखते हैं ना, ए एन डी। ठीक है, तो इसको एंड समझ लीजिए नियो को। ठीक है, एंड पीएम, पीएम यानी कि प्रधानमंत्री। ठीक है, एस एम समेत, समेत ईयू यानी कि यूरोप, जी डी गए। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लगा सकते हो, गए है ना, तब टीबी को तब दिया होंडा। ठीक है, तो यहां पे क्या है, ललिता सरिता प्रिया एंड पीएम, कौन कौन, ललिता सरिता प्रिया एंड पीएम। ठीक है, समेत यूरोप गए, ये तीनों लड़कियां कहां गई, प्रधानमंत्री के साथ यूरोप गई, चली गई चली गई। अब हमारे प्रधानमंत्री जी तो हैं, वो तो जगह जगह घूमते रहते हैं, कभी किस देश में कभी किस देश में, आपको पता है सबसे ज्यादा यही घूमे हैं, तो वो भी उनके साथ चली गई। ठीक है, तो चारों चले गए, कहाँ चले गए, यूरोप गए, तब दिया होंडा है ना, तब उन्होंने क्या किया, वहां पे होंडा दिया, होंडा क्या होती है, गाड़ी होती है, होंडा सिटी। ठीक है, तो तब उन्होंने तब दिया होंडा, तो उन्होंने किसी को होंडा सिटी गाड़ी दी, किसको दी, ई आर को, ई आर से लगा लो आप, इरविन, इरविन। ठीक है, तुम ये भी लो, टीएम को तुम, ये भी लो। ठीक है, अब देखो यहां पे मतलब क्या निकल रहा है, तीन लड़कियां हैं, ललिता सरिता प्रिया एंड पीएम समेत यूरोप गए, तीन लड़कियां ललिता सरिता प्रिया यूरोप गई, और तब जाके वहां उन्होंने क्या दिया, यूरोप गई, तब उन्होंने दिया होंडा, होंडा सिटी गाड़ी दे दी, किसको दे दी, इरविन को है ना,
होंडा सिटी गाड़ी दे दी और उससे बोला इरविन तुम ये भी लो, इरविन तुम ये भी लो। इरविन को गाड़ी देके बोला इरविन तुम ये भी लो, तुम सब कुछ तो ले ही आए इंडिया से। इरविन आप जानते हो ना, इरविन कौन था? इरविन अंग्रेजों के टाइम पे था, हालांकि अब नहीं है, लेकिन इरविन नाम का अंग्रेज था। तो इरविन को दिया सब कुछ और उससे बोला इरविन तुम ये भी लो। ठीक है, तो ऐसा कुछ ट्रिक है मैंने बना दी, तो आप भी इस तरीके से कुछ भी बना सकते हो, जैसी आपकी मर्जी होती है वैसे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, इसको याद रखने की ट्रिक हो गई। तो ये हम इसको याद रख सकते हैं, 57 से स्टार्ट होता है और 71 तक। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। अब देखो अगर हम बात करें किसकी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है सामान्यतः वो क्या होता है, n-2f n-1d और ns। ठीक है, ns। देखो s कक्षक में एक या दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, d वाले में या तो जीरो होगा या एक होगा, या तो d वाले में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा या एक होगा। f वाले में कितने होंगे, एक से लेके 14 तक हो सकते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, अब हम पूरे का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो लिख नहीं सकते। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको इससे पहले आने वाली नोबल गैसेज लिखनी है। इससे पहले कौन सी नोबल गैसेज आती है, आपको पता है जीनोन आती है। कौन सी आती है, जीनोन। जीनोन कितने नंबर पे आती है, 54 नंबर पे आती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए क्या लिख लिया, जीनोन। ठीक है, क्या लिख लिया बच्चों, जीनोन। सबों के आगे मैंने जीनोन लिख लिया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मुझे लिखना है, ये मैंने जीनोन लिख दिया। अब देखो मुझे क्या लिखना है, ये एफ ब्लॉक लिखने हैं। अब देखो यहां पे हम कौन सी श्रेणी पढ़ रहे हैं, 4f पढ़ रहे हैं। कौन सी पढ़ रहे हैं, 4f पढ़ रहे हैं, 4f 5d और 6s। ठीक है, तो सबों में हम क्या लिख देंगे, 4f 5d 6s, 4f 5d 6s, 4f 5d 6s। इनमें हमको इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 5d 6s, 4f 5d 6s। मैं इसलिए लिख रहा हूं जिससे आपको भरने में इलेक्ट्रॉन आसानी हो, 4f 5d 6s, 4f 5d 6s, 4f 5d 6s, 4f 5d 6s। सबों में पहले एक बार में लिख लेते ना जिससे हमको आसानी हो, 4f 5d 6s, 4f 5d 6s, 4f 5d 6s। ठीक है, अब हमको लिखने में आसानी होगी, अब हमको सिर्फ इलेक्ट्रॉन भरना है। ठीक है, क्या भरने हैं, इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अब देखो होता क्या है यहाँ पे, लैंथेनम में क्या होता है, एस कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। एस कक्षक में क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन हमारे पास भरे जाते हैं। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे भर दिए। अब देखो अगर हम आगे की बात करें तो यहां पे देखो 5d में क्या भरे जाते हैं, 1। देखो जीनोन हमारे पास कितने नंबर पे आता है, 54 नंबर पे आता है। जीनोन कहां आता है, 54 नंबर पे आता है। एक मिनट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। जीनोन कितने पे आता है, 54 नंबर पे आता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं, अब देखो यहां पे जो लैंथेनम है ना, लैंथेनम को एफ ब्लॉक में नहीं रखा जाता, ये एफ ब्लॉक में नहीं है। आपका कन्फ्यूजन दूर कर दूं मैं, लैंथेनम और एक्टिनियम एफ ब्लॉक में नहीं है, हालांकि इनको इनके साथ पढ़ा जाता है क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं, सेम होते हैं, इसलिए इनको इनके साथ पढ़ा जाता है, वरना ये यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं होते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए और सरल चीज कर देता हूं मैं, एस वाले में दो दो इलेक्ट्रॉन होंगे सब में,
सब में दो दो लगा देना है हमको, दो 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 दो, ठीक है। ये वाला काम भी मैंने आपका आसान कर दिया। अब देखो लैंथेनम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो गया 5d1 हो गया, 54 के बाद ये कितने नंबर पे आता है 57 पे, तो दो और तीन इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए और एफ में आ गया 0, ठीक है। अब देखो जैसे ही हमारे पास सीरियम आता है ना, जैसे ही हमारे पास सीरियम आता है तो यहां पे जो ऊर्जा का अंतर है ना वो कम हो जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन हमारे पास अब 5d में नहीं जाता, हमारे पास कहां जाता है 4f में जाता है, और ये d वाला क्या हो जाता है खाली हो जाता है, d वाला क्या हो जाता है जीरो हो जाता है। हालांकि कई बुक में इसको 4f1 और 5d1 भी लिखा हुआ है, लेकिन वो वाला हम मानते हैं, लेकिन सही कौन सा है ये है, ठीक है। वैसे तो दूसरा भी लिखा होगा आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4f1 5d1 और 6s2, तो कोई ज़्यादा फर्क है नहीं, लेकिन है ये प्रैक्टिकल से पता लगा ये ऊपर वाला, और ये हम क्या करते हैं ये सिर्फ हम मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तो फिर इलेक्ट्रॉन बनना स्टार्ट होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बनना स्टार्ट किस तरीके से होते हैं हमारे पास, ये देखो दो के बाद तीन 5d0, ठीक है। उसके बाद इसमें 4 5d0, ठीक है। उसके बाद 4f 5 5d0, उसके बाद क्या, उसके बाद देखो यहां पे जब हम आते हैं समेरियम पे, ठीक है, जब हम समेरियम पे आते हैं और समेरियम से यूरोपियम पे जाते हैं, देखो यहां पे हमने भर दिया 6 और 5d0, ठीक है। देखो यहां पे थोड़ा बहुत बीच में आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है, उस कंफ्यूजन को दूर करना है हमें, उस कंफ्यूजन को दूर करना है। 4f6 हो गया, अब ये हो गया 4f7 5d0 यूरोपियम पे, ठीक है, 4f7 5d0। अभी तक तो क्रम से चल रहा है हमारे पास 6 7 5d0, अभी तक तो हमारे पास कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो यहां पे अगले वाले में भी 4f7 5d1 आएगा, आप कहोगे सर ऐसा क्यों हुआ, देखो यहां पे जैसे हमने डी ब्लॉक में बताया था ऐसे ही यहां पे हुआ 3 4 5 6, देखो क्या हुआ यहाँ पे, मैंने आपको बताया था किसी भी कक्षकों की अर्धपूरित और पूर्ण पूरित अवस्था सबसे ज्यादा स्थायी होती है, हाफ फिल और फुल फिल वाली जो स्टेट होती है सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे हमारे पास गैडोलिनियम पे आ जाता है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली जो अवस्था है वो स्टेबल होती है, स्टेबल होती है, इसलिए अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं आता, अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं आता, वो कहाँ जाता है डी वालों में जाता है, यहां जाता है डी वालों में, इसलिए हमारे पास d1 हो जाता है। फिर उसके बाद तो अगले में तो फिर हमारे पास यहीं आने लग जाते हैं, अगले वाले में फिर कोई दिक्कत होती नहीं है, अगले वाले में हमारे पास यहां आने लग जाते हैं, तो फिर वापस से डी में से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और यहां जाते हैं 4f9, ठीक है। उसके बाद तो फिर हमारे पास 4f10, ठीक है, 5d0 और 4f11 5d0, उसके बाद 4f12 5d0, ठीक है, और थूलियम है 4f13 5d0, ठीक है, 4f13 हो गया, इसके बाद 4f14 5d0 और लास्ट में 4f14 5d1, क्योंकि देखो लास्ट में ये वाला ऑर्बिटल तो पूरा भर गया, 4f वाला तो पूरा भर गया, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा डी वाले में ही जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जो बचा है ना वो हमारे पास कहां जाएगा डी वाले में ही जाएगा, ठीक है। तो आप चाहो तो ये देखो एक बार आप मिला सकते हो, यहां पे देखो लैंथेनम का क्या हो गया 5d1 6s2, सीरियम का क्या हो गया 4f2 6s2, प्रेसियोडाइमियम का क्या हो गया 4F3 6S2, नियोडाइमियम का क्या हो गया 4F4 6S2, ठीक है, प्रोमीथियम का क्या हो गया 4F5 6S2, समेरियम का क्या हो गया 4F6 6S2, यूरोपियम का क्या हो गया 4F7 और 6S2, गैडोलिनियम
का क्या हो गया 4F7 5D1, और टर्बियम का क्या हो गया 4F9 6S2, डिस्प्रोसमियम का क्या हो गया 4F10 6S2, होलमियम का क्या हो गया, होलियम या होलमियम भी बोलते हैं, ठीक है, इसका क्या हो गया 4F11 और 6S2। फिर दूसरे का इरबियम का क्या हो गया 4F12 6S2, 4F13 6S2, इट्रीबियम का 4F14 6S2, और लास्ट में 4F14 5D1 और 6S2, ये हमारे पास हो गया, ठीक है। तो इसको क्या जगह क्या लिखा हुआ है, होलमियम लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, होलमियम लिख देंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। तो ये हमारे पास किसकी बात हो गई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हो गई लेंथ एंड हाइट्स की, ठीक है। इसकी हमको क्या है प्रॉपर्टीज भी पढ़नी है आगे की, तो वो प्रॉपर्टीज हम देखेंगे कल की क्लास में। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।